हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे KVS PGT एग्जाम के बारे में। देखिए, हमने KVS PRT और TGT के लिए ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक हमने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली उसको देख सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं KVS PGT की, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो कि 9th to 12th class तक के लिए आपके होते हैं। ये आपकी एक परमानेंट टीचर वैकेंसी है और ये ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए इसके अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होना मस्ट है, यानी आपने PG किया हो, मास्टर्स डिग्री आपके पास हो विथ 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ में आपके पास BEd भी होना चाहिए और इसमें कोई भी CTAT, TAT, किसी भी तरह का कोई टैट इसमें नहीं चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो देखिए इसके अंदर आपका जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट है 40 years फॉर द जनरल, राइट। उसके बाद SC and ST कैटेगरी प्लस 5 years का रिलैक्सेशन, OBC कैटेगरी प्लस 3 years का रिलैक्सेशन एंड वीमेन 10 years का रिलैक्सेशन। और देखिए वीमेन के लिए PRT, TGT एंड PGT तीनों ही पोस्ट में 10 years का रिलैक्सेशन है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ें क्वेश्चन आता है कि क्या भाई जो स्पेशल BEd वाले होते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या वो एलिजिबल हैं? तो देखिए मैं आपको पहले ही चीज़ को कंफर्म कर दूं कि जो आपके स्पेशल BEd वाले स्टूडेंट्स हैं, ना तो वो TGT के लिए एलिजिबल हैं और ना ही वो PGT के एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए अगर इस बार नोटिफिकेशन आता है तो बाकी उसमें देखते हैं कि इस बार उन लोगों ने किया है नहीं किया है, वैसे होते नहीं हैं, राइट। इसके अलावा आपको ना एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग की, आप भाई टीच कर सकें इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में, तो ये इसकी पूरी एक एलिजिबिलिटी रहती है। कि अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम फेसेस की, तो ये आपका 2 फेस में एग्जाम रहता है। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो कि 150 मार्क्स का होता है, और उसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू रहता है जो कि 60 मार्क्स का रहता है। इसके बाद अगर मैं इसकी पोस्ट की बात करती हूँ, तो देखिए इसके अंदर आपकी PGT इंग्लिश के लिए पोस्ट रहती हैं, PGT हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस। इन पोस्ट पे आपकी मेनली जो वैकेंसीज होती हैं वो आपकी आती हैं। इसके बाद अगर कुछ भी अगर मान लीजिए वैकेंसी किसी अदर पोस्ट में आए, तो वो अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा बाकी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी, बट ये आपका जनरली रहता है, राइट। मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं इसीलिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए इसमें आपके जो एग्जाम रहता है इसमें आपका 2 पार्ट में, यानी कि Part 1 and Part 2। Part 1 में आपकी जनरल इंग्लिश रहती है जिसमें आपके 10 questions रहते हैं 10 marks के। उसके बाद आपकी हिंदी रहती है जिसमें आपके 10 questions रहते हैं 10 marks के। तो ये था आपका Part 1। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ Part 2 की, तो इसमें आपका GK एंड करेंट अफेयर्स रहता है जिसमें आपके 10 questions रहते हैं 10 marks के। उसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहती है जिसमें आपके 10 questions रहते हैं 10 marks के। उसके बाद आपका कंप्यूटर रहता है जिसमें आपके 10 questions रहते हैं 10 marks के। उसके बाद आपकी पैडागॉजी रहती है जिसमें आपके 20 questions रहते हैं 20 marks के। और लास्ट आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है जिसमें आपके 80 questions रहते हैं 80 marks के। इस हिसाब से आपका टोटल कितना हुआ, 150 questions, 150 marks, टाइम दिया आपको 150 minutes, मीन्स 2.5 घंटे दिया जाता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये था आज का पूरा एग्जाम पैटर्न। अच्छा अब एक क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन है, लाइक डाउट रहता है स्टूडेंट का कि भाई जो इसका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या जैसे PRT में रहते हैं इस तरह के रहेंगे? नहीं जी, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, ठीक है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप PGT फिल करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें ना आपको 9th, 10th, 11th, 12th और साथ में ग्रेजुएशन और प्लस PG आपको कवर करना होगा। अगर मैं आपको एक परसेंट वाइज बताऊँ, देखिए 9th का और 10th का इसमें 25% रहता है, 11th and 12th का इसमें आपका 50% रहता है, और UG प्लस PG का मिला के आपका 25% रहता है। तो ये आपको ओवरऑल रहता है, बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो तो वही 9th, 10th, 11th, 12th वाले रहते हैं, क्योंकि UG एंड PG में वही टॉपिक्स वाइड होके आते हैं। तो ये आपका ओवरऑल इस तरीके का आपका एग्जाम रहता है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ग्रेड पे की, देखिए Level 8 की आपकी जॉब रहेगी, और पोस्ट की हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जिसने भी वीडियो नहीं देखी है PRT एंड TGD के लिए, तो वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू।